जैसे कि आप सभी को पता है कि रेलवे ने अपनी डेट को अनाउंसमेंट कर दिया है यह परीक्षा को लेकर। उसके बाद जो है विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा जो है उत्साह में आ गए हैं और तैयारी काफ़ी जोरों शोरों से कर रहे हैं। तो वैसे में दोस्तों आपको चाहिए अभी सटीक और सबसे खास ट्रिक जो कि कम समय में आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अगर आप भी बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहते हैं, पहली दफ़ा रेलवे या NTPC की ग्रुप डी को या NTPC की एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके पास लाने वाले जो कि आपके एग्जामिनेशन में 100% जो है दोस्तों पूछने वाले। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, कुछ लैंग्वेज का क्वेश्चन हम लेने वाले जो कि बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा जरूर, वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जैसे कि आप सभी यहां पर देख पा रहे हैं। लिखा गया है कि विनोद के गणित में प्राप्त अंकों का, विनोद जो है नाम का कोई विद्यार्थी है, कोई स्टूडेंट है, कि प्राप्त अंकों का 1/3 भाग उसके द्वारा समाज अध्ययन में प्राप्त अंकों के 1/2 भाग से कितना अधिक है? 30 अधिक है। यदि दोनों विषयों को मिलाकर, कहा जा रहा है यदि दोनों विषयों को मिलाकर प्राप्तांक 240 है, तो उसको समाज अध्ययन में कितने अंक प्राप्त हुए? उसके समाज अध्ययन में कितने अंक प्राप्त हुए, यही आपसे कहा जा रहा है। दोस्तों अगर हम आपसे कहते हैं कि 100 रुपया हम आपको दे रहे हैं, कितना रुपया दे रहे हैं दोस्तों? 100 रुपया दे रहे हैं, और आप लोग दो भाई में बांटना है, ठीक है, इसको दो भाग में बांटना है। तो दो भाग में बांटना है यानी कि दो भाग में बांटना है दोस्तों, तो कितना कितना बांटेंगे? 50-50 बांटेंगे? बिल्कुल भी गलत। हमने तो नहीं कहा था कि आधा आधा बांटिए, यानी कि जब तक नहीं बोलेगा कि कितना कितना बांटना, तब तक आप अपने मन से नहीं बांट सकते, इस चीज को ध्यान रखिए। हाँ, अगर हम कहेंगे कि एक व्यक्ति को 60 रुपया दीजिए, तो दूसरा व्यक्ति को कितना दीजिएगा? तुरंत कहिएगा 40 रुपया। लेकिन ये 40 रुपया आया कैसे? सबसे पहले ये बात समझिए। तो 40 रुपया आया होगा कैसे? ये जो 100 रुपया में माइनस किए होंगे 60 रुपया, तब जाके यहाँ पर 40 रुपया आएगा। यानी कि अगर हम कहेंगे दोस्तों पहला व्यक्ति को अगर X रुपया मिलेगा, तो दूसरा व्यक्ति को कितना मिलेगा? 100 माइनस X। यही आपका फंडा है, यही आपका सूत्र है, इसी तरह से मिलेगा। तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो समाज अध्ययन, ठीक है, मान लेते हैं समाज अध्ययन में अगर x मिलता है, कितना मिलता है ध्यान से देखिएगा, x मिलता है समाज अध्ययन में दोस्तों, अगर x मिल रहा है तो गणित में, याद रखिए गणित का प्राप्तांक, तो गणित का प्राप्तांक कितना होगा? 240 माइनस x कितना हो जाएगा? 240 माइनस x हो जाए। ये गणित का प्राप्तांक होगा और ये होगा समाज अध्ययन का प्राप्तांक। क्यों होगा, कैसे होगा, ये चीज समझ लीजिए, क्लियर होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैथमेटिक्स क्वेश्चन में जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से नहीं समझे। इसलिए हर एक छोटी छोटी सी बातों को, हाँ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दोस्तों एक बार अगर आप समझ लेते हैं, उसके बाद चुटकियों में सॉल्व होगा। लेकिन अगर समझ नहीं पाइएगा, उसको 10 बार 50 बार भी अगर पढ़ लीजिएगा, तो आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कभी भी नहीं बनने वाला है। इसीलिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले अच्छी तरह से समझना है, और एक बार क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। लिखा हुआ था विनोद के गणित में प्राप्त अंकों का 1/3 भाग उसके द्वारा समाज अध्ययन में प्राप्तांकों के 1/2 भाग से क्या है? 30 अधिक है। यदि उसके दोनों विषयों को मिलाकर प्राप्तांक कितना है? 240 है, तो उसको समाज अध्ययन में कितने अंक मिले? तो मानते हैं कि समाज अध्ययन में अगर x मिले होंगे और दोनों विषयों को मिलाकर कितना मिला? 240, तो यहां पर 240 माइनस x कर देंगे, तो ये आराम से गणित का प्राप्तांक मिल जाएगा। यहां तक तो किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब कहा जा रहा है कि गणित के प्राप्तांकों का यह जो 1/3 भाग है, इसीलिए 1/3 भाग है दोस्तों, इसीलिए हम यहां पर क्या करेंगे? 1/3 लिख देंगे।
उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि समाज अध्ययन में उसके द्वारा जो समाज अध्ययन में जो मिला था वो कितना, 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। से कितना अधिक है, 30 अधिक है। अधिक कितना, 30 अधिक है, बराबर। आपको बोले अधिक बोले चाहे कम बोले, हमेशा यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस देते हैं। इस बात को आप सभी खास ख्याल रखिएगा, इस बात को खास ध्यान रखिएगा। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप सभी बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। अब इसको आराम से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आपके पास रह जाएगा। सॉल्व करने के सिंपल सा तरीका, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि हम दोस्तों यहां पर 240 बट्टा कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, और माइनस लिखेंगे यहाँ पर एक्स बट्टा 3, और माइनस हो जाएगा एक्स बट्टा 2, और बराबर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 30। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 80 हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। अब इन दोनों को हम इधर ले जाएंगे और इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 80 - 30 बराबर हो जाएगा एक्स बट्टा 3 प्लस एक्स बट्टा 2। अब यहाँ से आराम से इसको कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 50, और यहाँ पर हो जाएगा 3 × 2 = 6, और 3 × 2 = 5 हो जाएगा, यानी 5x हो जाएगा। अब इसको आराम से काटेंगे, ये चला जाएगा 10 बार में, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर कितना निकल जाएगा, हमारा 60 आ चुका है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया था कि समाज अध्ययन में, तो समाज अध्ययन का हम क्या माने थे, x माने थे, तो यही है समाज अध्ययन का मार्क्स, यहीं पर हमारा क्या हो चुका, आंसर आ चुका। आई होप इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से समझ सके। हमने थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लिया, लेकिन समझाने के लिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिए, लेकिन दोस्तों ये सब क्वेश्चन अगर एक बार पढ़ लीजिएगा तो जिंदगी भर याद रखिएगा, जिंदगी भर भूल नहीं पाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आप स्क्रीन पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन आ चुके हैं, इस क्वेश्चन में लिखे हैं किसी धन को, कोई धन है ए और बी में, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 3 गुना, ए का हिस्सा का कितना गुना, 3 गुना, बी के हिस्से के 2 गुने के बराबर है। तो पूछा जा रहा है ए का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा, ए का हिस्सा पूछा जा रहा, पूरा धन है उसका कौन सा भाग होगा। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी समझ चुके। अब चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए, बहुत ही आसानी तरीके से हम इसको बताने वाले, वीडियो के साथ बने रहिएगा जरूर से जरूर। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, यहां पर क्या है, ए है, ठीक है, यहां पर ए है और यहां पर बी है, ठीक, ए है और बी है, ए ने कुछ रुपया कमाया, बी ने भी कुछ रुपया कमाया, लेकिन अपना पैसा को जो है ए क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया, क्या कर दिया, 3 गुना, और बी अपने पैसा को क्या कर दिया, 2 गुना। जब इस प्रकार से किया जा रहा तो दोनों का पैसा आपस में क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है, यानी कि बराबर हो जा रहा। तो इसको जो है बराबर में अगर रहेगा और रेशियो में पलटने पर संख्या क्या हो जाती है, बदल जाती है, यानी कि ये कितने हो जाएंगे, 2 अनुपात कितने हो जाएंगे दोस्तों, 3 हो जाए। अब पूछा जा रहा है कि ए का हिस्सा कितना होगा, यानी कि पार्ट ऑफ ए, पार्ट ऑफ ए, ए का हिस्सा कितना होगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो ए का हिस्सा कितना होगा, 2/2 हो जाएगा आपका दोस्तों 5, ठीक है। यहां पर लिखते हैं ए का वैल्यू 2 और 3 और 2 कितना होगा, 5, यही क्या होगा, पार्ट होगा, यही आपका भाग होगा, यही आपका हिस्सा होगा, जो कह सकते हैं वही आपका क्या है, आंसर है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप सभी बेहतरीन तरीके से समझ सके। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, ताकि और अच्छे तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा जरूर से जरूर। आइए दोस्तों अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे हैं, अगली क्वेश्चन आ चुके हैं। लिखा गया है कि किसी विद्यालय में, कोई विद्यालय है, उस विद्यालय में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का अनुपात 1:25 है। कितना है दोस्तों, 1:25 है। यहाँ पर जो है विद्यार्थी और टीचर का अनुपात है 1:25 है, जो कि हम लिख दे रहे हैं 1:25, ठीक है, 1:25। फिर क्या है उसके बाद देखिएगा, यदि 36 और विद्यार्थी आ जाते हैं, क्या होता है, 36 और विद्यार्थी आ जाते हैं,
तो जैसे 36 और विद्यार्थी आ जाते हैं तो एक नया अनुपात यहाँ पर आएगा। तो नया अनुपात क्या आ रहा है आपका, 1:28। 1:28 कितना, 28। यहाँ पर थोड़ी सी कंसेप्ट को समझिए और थोड़ी सी क्लियर करने का कोशिश कीजिए। पहले से किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी कोचिंग सेंटर में विद्यार्थी पढ़ रहे थे जिसमें से 1:25। 1:25 का मतलब होता है 25 स्टूडेंट पर एक शिक्षक दिया जा रहा है, ठीक है। अगर इसमें विद्यार्थी आ जाते, इस रेशियो के बारे में बात कर, अगर विद्यार्थी आ जाते हैं तो रेशियो गड़बड़ा जाएगा, विद्यार्थी छोड़कर चले जाते हैं रेशियो गड़बड़ा जाएगा, शिक्षक आ जाते हैं रेशियो गड़बड़ा जाएगा, शिक्षक छोड़ के चले जाते हैं रेशियो गड़बड़ा जाएगा। यानी कि विद्यार्थी आएंगे तो भी रेशियो चेंज हो जाएंगे, विद्यार्थी जाएंगे तो भी रेशियो चेंज हो जाएंगे, शिक्षक आएंगे तो भी रेशियो चेंज हो जाएंगे, शिक्षक जाएंगे तो भी रेशियो आपका बदलेगा ही बदलेगा। मतलब थोड़ा सा भी कुछ भी इधर उधर हुआ तो रेशियो तुरंत गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो वही चीज कहा जा रहा है यहाँ पर, 36 और विद्यार्थी आ जाते तो जैसे 36 विद्यार्थी आ गया तो आपका रेशियो क्या हो गया, बदल गया। तो रेशियो जैसे बदला तो वैसे पूछा जा रहा है विद्यार्थी विद्यालय में कुल शिक्षक कितना है, नंबर ऑफ टीचर्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इन दोनों में से किसी एक को संख्या बनाना पड़ेगा। तो संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ x से गुना कर देते हैं। तो हम इसको संख्या बना रहे हैं, इसको क्या कर देंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको भी बना सकते हैं, इसको भी संख्या बना सकते हैं, लेकिन हम जो है इसी को संख्या बना रहे हैं। ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर सीखिए कि इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। अब इसको हम क्या करेंगे, बटा में लिख सकते हैं, यानी कि हम लिखेंगे 1x/25x लिख सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि 36 विद्यार्थी आ जाते हैं, ये शिक्षक है और ये विद्यार्थी, 36 विद्यार्थी आ जाते तो 36 विद्यार्थी आ जाते तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 36। अगर यही चीज क्या हो जाते, 36 टीचर आ जाते तो टीचर के पर प्लस करते। अगर यही चीज क्या होता, विद्यार्थी छोड़ के चले जाते 36 तो माइनस करते 36, यानी आने पर प्लस जाने पर माइनस। शिक्षक का आया तो शिक्षक में जुड़ेगा, शिक्षक जाएंगे तो शिक्षक में घटेगा। जो चीज जहां चीज बोला जाएगा क्वेश्चन में वही सही आपको कंसेप्ट को क्लियर करना। जब इस टाइप से हो गया तो एक नया रेशियो बन चुका, यानी कि बराबर कितना हो गया, 1/ हो गया हमारा 28। क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत है तो कमेंट करिए, नहीं दिक्कत। अब इसको इक्वेशन बन चुका, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, यह चीज यहां पर सीखिए कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, यानी कि इसको इसके साथ गुना कर देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, यह 28x, यह बन जाएगा हमारा 28x बराबर हो जाएगा हमारा 25x प्लस हो जाएगा हमारा 36, ठीक है, 36 हो जाए। अब 25 में 28 में 25 चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा हमारा 36। 36 हो गया दोस्तों। अब यह इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो यहाँ 3 से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 3 एकम 3, 3 दोना 6, यानी 12 3 कितना हो जाएगा, 6, यानी x बराबर हमारा कितना निकल चुका दोस्तों, 12 निकल चुका। इसीलिए यहाँ पर पूछा गया था विद्यालय में टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट पूछा जा रहा है। तो टोटल स्टूडेंट देखिए कैसे निकालते हैं, टोटल स्टूडेंट बराबर, टोटल स्टूडेंट बराबर 25x हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 25x। अब 25x हो गया तो 25 इंटू कितना हो जाएगा, 12, यानी 25 12 में कितना हो जाएगा दोस्तों, 300, यानी नंबर ऑफ टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 300 स्टूडेंट टोटल हमारा जो इस कॉलेज में या इस विद्यालय में जो है टोटल 300 स्टूडेंट है, ठीक है। अगर यही पर शिक्षकों की संख्या अगर पूछा जाए तो शिक्षक कितना हो गया, 1x, यानी कि 1 × 12 = 12, आपका जो है 12 यहाँ पर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप बेहतरीन तरीके से समझ सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी भी ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, वीडियो के साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। जैसे कि स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे हैं, अगली क्वेश्चन हमारी जो अगली क्वेश्चन आ चुके हैं, इसमें लिखा हुआ है किसी विद्यालय में, कोई भी विद्यालय, ठीक है, कोई भी स्कूल है जिसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात है 3:2 है, कितना है, 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25%
लड़कियां को स्कॉलरशिप मिलता है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, यही आपसे पूछा जा रहा। तो इस क्वेश्चन को कैसे आसान ट्रिक से बनाएंगे, रेशियो दिया गया, बस रेशियो को ही फ्लो करते हुए हम बनाएंगे। सिर्फ जो रेशियो दिया गया है, लड़का लड़की का अनुपात 3:2 दिया गया है, क्लियर। 20% लड़का और 25% लड़की को स्कॉलरशिप मिलती है, बाकी कितने प्रतिशत है, कितने जो है लोग हैं, कितने परसेंटेज लोग हैं जिसकी जो है नहीं प्राप्त होती है स्कॉलरशिप। तो चलिए इसको बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर लड़का लड़की का जो रेशियो है उस रेशियो को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है दोस्तों, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स का हमारा रेशियो 3:2 कितना है, 2 है। 3:2 कितना है दोस्तों, 2 है। अब 3:2 है, टोटल स्टूडेंट कितना है यह हमको ज्ञात नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे, 100 कंसीडर कर लेते हैं कि टोटल क्लास में जो है 100 कैंडिडेट है। अब 100 कैंडिडेट है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम निकालते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो देखिए कि कैसे किस प्रकार से निकालते हैं। अब टोटल है 100, तो यानी 3:2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5, यानी 3:2 हमारा कितना आ जाएगा, 5, और 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100, इसीलिए 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20, इसीलिए अनुपात 3 का वैल्यू हो जाएगा 60, इसीलिए अनुपात 2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 40। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे। अब इसमें से कहा जा रहा है 20% लड़कों को जो है स्कॉलरशिप प्राप्त होता है, यानी कि इसका हम 20% निकालेंगे, स्कॉलरशिप प्राप्त होता है। और लड़की में कहा जा रहा है, गर्ल्स में कहा जा रहा है 25% को स्कॉलरशिप प्राप्त होता है, यानी कि 60 का 20% निकालने जाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12, और इसका अगर 25% निकालने जाएंगे तो आएगा 10। कैसे निकालते, आसान ट्रिक से आप सीखिए, सिंपल सा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 6 × 12, और जो जीरो होगा उसको हटा दीजिए, इसी को 25 × 100 होगा, 25 × 100 में क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, 10 यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि 10 का हम हटा देंगे तो बच कितना जाएगा, 10 हमारा बच जाएगा। तो इसी प्रकार से करके हम जो आसान तरीके से निकालते हैं, यानी कि दोस्तों जब इनको हम दोनों को इंक्लूड करते हैं, दोनों को इंक्लूड जब हम करेंगे, 12 और 10 को जब इंक्लूड करेंगे तो आएगा कितना, 22%, यानी 22% पूरे क्लास में 22% को स्कॉलरशिप प्राप्त होता है। लेकिन हमको पूछा गया है कि कितने परसेंट को नहीं प्राप्त हुआ स्कॉलरशिप, तब हम क्या करेंगे, इसमें से 100 हम लेस कर देंगे, 100 अगर हम लेस करेंगे तो लेस करने के बाद जो आएगा वही होगा कि स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त करने वाले। तो इसमें दोस्तों अगर 100 में अगर 22% अगर घटा देते तो आ जाता है कितना, 78%, यानी 78% ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अभी तक स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं हुआ। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप बेहतरीन तरीके से समझ सके और हमने भी अच्छा तरीके से आप सभी को समझा सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। जैसे कि स्क्रीन पर दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर अगली क्वेश्चन आ चुकी है। अगली क्वेश्चन में लिखे गए हैं कि एक लड़के से किसी संख्या को 5/7 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु उसने क्या किया कि उसने 5/7 से भाग दे दिया तथा उसको सही उत्तर से 24/5 अधिक मान आ गया। तो संख्या क्या थी जिसको गुना करना था, जिसको मल्टीप्लाई करना था, वो संख्या कौन सी थी, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्या हुआ कि एक लड़का था, ठीक है, हमारे क्लास में क्या था, एक लड़का पढ़ रहा था, उसको हम बोले कि देखिए इस एक संख्या दे रहे हैं 5/7, ठीक है, किसी संख्या को जो कोई वो हम संख्या दे, कौन सी संख्या दी हमें नहीं पता, हम बोले कि इस संख्या को जो है 5/7 से क्या करिए ना, अब भाग कर दीजिए, सॉरी गुना कर दीजिए। तो वो बेवकूफ क्या किया, 5/7 से गुना ना करके 5/7 से भाग करके बैठ गया और बोल रहा लीजिए सर, लीजिए आंसर आ चुका। तो हम उसको बोले कि हम आपको गुना करने के लिए बोले थे, आप भाग क्यों कर दी। जब उसने ऐसा किया तो सही उत्तर से क्या हुआ, 24/5 अधिक मान आ गया। तो कहा जा रहा है कि वो संख्या क्या थी जिसको हम गुना करने के लिए दिए थे आपको,
यही निकालने के लिए कहा गया। तो मानते हैं कि वो जो संख्या है, वो संख्या मान लेते हैं कि कंसिडर करते हैं कि मानते हैं कि वो संख्या हमारा क्या था, एक था, यही हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम इस संख्या का, इस संख्या का हम बोले थे कि आप हमको गुना कीजिएगा 5/7 से। तो 5/7 से गुना करेंगे तो आता कितना हमारा 5/7, ये हमारा सही उत्तर होता। लेकिन उसने क्या किया, इस संख्या को भाग कर दिया 5/7 से। 5/7 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/5, जो कि यह हमारा गलत उत्तर, हमको यह नहीं चाहिए था। अब कहा जा रहा है कि इस टाइप से जब किया तो यहाँ 24/5 जो है क्या हो गया, अधिक आ चुका। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से लेस कर देंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस पर देख पा रहे 7/5 - 5/7, ठीक है, 7/5 - 5/7 कितना अधिक प्राप्त हो गया, 24/5 कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 24/5 यहाँ पर लिख देंगे 24/5। अब इसको आराम से हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, यानी 7/5 कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा, और यहाँ 47 - 49 और यहाँ पर हो जाएगा 25, यानी कि हो जाएगा ऊपर में 24, 24/5 बराबर हो जाएगा 24/5। अब इसको आराम से हम इसको कैंसिलेशन करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, दोस्तों देख पा रहे 24 और 24 हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पर काटेंगे 7/5 कितना हो जाएगा 35, यानी 1 बराबर हमारा कितना निकल चुका 7। यानी कि उस लड़का को हम कौन सी संख्या दिए थे, उस लड़का को हम दिए थे 7 संख्या दिए थे, जिसको हम कहे थे कि गुना करिएगा। तो गुना करते दोस्तों, फोर चेकिंग अगर आप चेक कर सकते हैं तो देखिए चेक कर सकते हैं, फोर चेकिंग हमारा जो उत्तर आता कितना आता, वो संख्या कितना दिए थे 7 दिए थे, 7 × 5/7, ठीक है। तो इसको 7 कैंसिल होता, बराबर हमारा कितना आता 5 आता, लेकिन दोस्तों उन्होंने क्या कर दिया, भाग कर दिया, इसीलिए गलत उत्तर आ गया। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप सभी बेहतरीन तरीके से समझ सके। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी भी ना भूलिएगा। मिलते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपको अगले क्वेश्चन दिखाते हैं। अगली क्वेश्चन देखते हैं, जैसे स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे हैं ऊपर में आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन जो है लिखा गया है दोस्तों, लिखा गया है एक 70 सेंटीमीटर लंबे छड़ को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा जा रहा है। इस प्रकार बांटा गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 है, 2/5 कितना है दोस्तों, 5 है। तो छोटे टुकड़ों की लंबाई कितने सेंटीमीटर की होगी, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो स्क्रीन पर आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए उसको कैसे है? आपका जो है कैसे काटा जा रहा है, 2/5, 2/5 कहने का मतलब होता है 2:5, 2:5 क्या है, 5, बट्टा को हम अनुपात में लिख सकते हैं। कहा जा रहा है एक 70 सेंटीमीटर का छड़ लंबाई जो लेंथ है वो कितने 70 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा 70 सेंटीमीटर है। अब इसमें से कहा जा रहा है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई से कितना है 2/5 है, तो छोटे टुकड़े की लंबाई याद करें। अब इसमें से हम क्या करेंगे, दोनों को अनुपात को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी 7 का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना 70, इसीलिए अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 10। इसीलिए दोस्तों छोटे टुकड़े का अनुपात कितना है 2 है, इसीलिए अनुपात 2 का जो वैल्यू हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 10 × 20, 2 × 10 बराबर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी छोटे टुकड़े की जो लंबाई है दोस्तों वो कितना है 20 सेंटीमीटर है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप सभी बेहतरीन तरीके से समझ सके। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर और आपको दिखाते हैं कि अगली क्वेश्चन कौन सी है। वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो अच्छे लग रहे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अगली क्वेश्चन आ चुके हैं। अगली क्वेश्चन हमारा जो कहा जा रहा है दोस्तों, अगली जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहा रहा है, आइए यहाँ पर समझते हैं। अगली क्वेश्चन है दोस्तों 37 को दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट कहा जा रहा है, यानी 37 उसको दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा जा रहा है। पहले भाग को 5 से, पहले भाग को कहा जा रहा है 5 से गुना किया जाता है तथा दूसरे भाग को 11 से गुना किया जाता है, तो दोनों भागों का योग 227 प्राप्त होता है। तो पहला भाग क्या है, बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों, कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। 37 है, टोटल कितना है 37 है, 37 को दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा, तो मान लेते हैं कि पहला जो भाग है, पहला भाग कितना है x है। अगर दोस्तों पहला भाग x हो जाएगा तो दूसरा भाग कितना होगा 37 - x, जैसे कि हम अभी आप सभी को बताएं।
अब कहा जा रहा है पहला भाग को कहा जा रहा है इसको 5 से हम क्या करते हैं गुना करते हैं, और दूसरा भाग को कहा जा रहा हम इसको 11 से गुना करते हैं। इसको कितना से गुना करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से करके दोस्तों दोनों भागों को हम जब जोड़ते हैं, दोनों पार्ट को, यानी यह पहला पार्ट है या दूसरा पार्ट है, जब पहला पार्ट और दूसरा पार्ट को दोनों को जब हम इंक्लूड करते हैं, यानी कि इंक्लूड करते हैं यानी कि दोस्तों दोनों को हम यहाँ पर इस प्रकार से प्लस करते हैं, तो प्लस करने पर जो हमें प्राप्त होता है दोस्तों वो कितना प्राप्त होता है, 227, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से आप सभी के लिए लिखा हुआ है 227 प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों पहला भाग क्या है, तो आसानी से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, जिसे यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 5x प्लस 37 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना दोस्तों 407, और यहाँ पर माइनस से माइनस लिखेंगे 11x आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 227 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 11x से माइनस में और 5x है, यानी कि बच जाएगा कितना दोस्तों 6x, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6x। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये घट जाएगा, तो घट जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 227, यानी कि यहाँ पर 227 माइनस 407, यहाँ पर दोस्तों माइनस 6x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर अगर हम घटाने के लिए जाएंगे तो घटाने के लिए जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस 180, कितना आ जाएगा 180। अब आराम से इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा 18, यानी यहाँ पर बच जाएगा 30, इसीलिए x बराबर हमारा कितना निकल चुका, 30 निकल चुका है दोस्तों। और आपको पूछा गया था कि पहला भाग क्या है, तो पहला भाग यानी कि फर्स्ट पार्ट, यानी कि दोस्तों फर्स्ट जो पार्ट हम लोग कंसीडर किए थे वो कितना किए थे x, और x बराबर हमारा कितना निकल चुका 30, यही क्या है आपका रिजल्ट है, यही आपका आंसर है। दोस्तों आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और SSC रेलवे बैंकिंग की कोई भी तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों को भी बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के लिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भेजिए दोस्तों के पास, और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें इसीलिए, ताकि आप सभी भी कुछ अच्छे तरीके से सीख पाए और हमारा जो मेहनत है वो रंग ला पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।